नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार से जो रुझान मिल रहे हैं, शुरू में ऐसा लगा जैसा कि महागठबंधन आगे निकल रहा है। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं, अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन जब एग्जिट पोल से और शुरुआती रुझानों को जोड़ करके देखा जा रहा था तो महागठबंधन काफ़ी आगे निकल गया था। अब 11 बज गए हैं, 8 बजे से गिनती चल रही है, यानी 3 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद जो रुझान मिल रहे हैं वो महागठबंधन के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। अभी भी नेक टू नेक फाइट है, लेकिन एनडीए ने बढ़त बना ली है। जो ट्रेंड मिल रहे हैं यानी रुझान, उस ट्रेंड में एक बात साफ दिख रही है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो आरजेडी थी पहले, यानी पिछले चुनाव में उसको 80 सीटें मिली थी, इस बार भी वो उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। कभी 81, 71, 91 तक वो आगे जा रही है। कांग्रेस जहां थी, यानी पिछली बार उसको 27 सीटें मिली थी, इस बार उसी के आसपास ट्रेंड में वो आगे है। कभी 22, कभी 23, कभी 25, कभी 20, ऐसे वो चल रही है। बात करें यदि बीजेपी की और जेडीयू, हम वीआईपी यानी एनडीए की, तो उसमें पाएंगे कि नुकसान जेडीयू को हो रहा है, क्योंकि जेडीयू को 2015 के चुनाव में 71 सीटें मिली थी और बीजेपी को 53 सीटें मिली थी। उस लिहाज से देखेंगे तो बीजेपी आगे चल रही है 66-65 के आसपास, और इधर जो है जेडीयू 50-47 लेकर 55 के बीच में चल रही है, यानी कि जेडीयू की सीटें घट रही है। हम और वीआईपी, एक मिला था हमको पिछली बार, और वीआईपी जो है अब की बार 2-3 सीटों को लग रहा है 2-3 सीटें आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 3 घंटे के रुझान है उसमें चिराग पासवान और एलजेपी कहाँ खड़ा है। तो वो भी कुछ सीटों पे बढ़त ले रहा है, पिछली बार उनको 2 सीटें मिली थी, कुछ सीटों पे बढ़त ले रहा है, लेकिन उनका जो रोल निकल करके आ रहा है अगले 3 घंटे में और जाके क्लियर होगा, उसमें जो है निगेटिव ज़्यादा है, यानी कि आपने वोट काटा, जीता कम वोट ज़्यादा काटा, तो किसको नुकसान पहुंचा? नीतीश कुमार को पहुंचा। लेकिन एक बात समझने लायक है कि यदि यही रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं तो नतीजों में तब्दील होने पे क्या सीन बनेगा और क्यों ऐसा हुआ? क्या नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2 चरण हैं लास्ट के, उसमें अपील काम कर गई? क्या महिलाओं ने जो साइलेंट वोटिंग की वो नीतीश कुमार को गया? क्योंकि जब चुनाव प्रचार के दौरान माना यह जा रहा है कि पहले फेज के इलेक्शन में जब 71 सीटों के लिए हुआ था, तब महागठबंधन और तेजस्वी यादव भारी पड़े थे। बाद के दोनों चरण में, तीसरे चरण में तो नीतीश कुमार ने अपने रिटायरमेंट की भी घोषणा कर दी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने दोनों अपने अपने हिसाब से दांव खेलने लगी, तो उसमें माना जा रहा है कि महिलाएं, घर से निकली महिलाओं का मतदान ज़्यादा हुआ और वो कहीं ना कहीं इन लोगों के फेवर में गया। अब इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रुझान कितना टिकते हैं, क्योंकि है क्या कि कोविड-19 का दौर होने की वजह से बहुत लिमिटेड जो है टेबल रखे गए हैं, और एक बार में एक विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र का जो है एक साथ नहीं निपटाया जा सकता। तो अब की बार जहां विधानसभा चुनाव में 12 बजे तक चीज़ें क्लियर हो जाती थी, वो लग रहा है कि 4 बजे तक जा करके एकदम स्पष्ट हो पाएगा। तो इस पर नज़र रखते हैं। ना तो आरजेडी बहुत ज़्यादा उत्साह में आ रही थी तो उसको रोका जा रहा है, और नीतीश कुमार की पार्टी को भी उत्साह में आने से रोका जा रहा है, नारेबाजी करने से रोका जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इंतजार कर लीजिए, यानी कि दोनों में से कोई भी आश्वस्त अभी नहीं है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।